हमारा फर्स्ट पॉइंट चल रहा था एसरेटिव सेंटेंस, एक लास्ट एग्जांपल एसरेटिव सेंटेंस का करवा के मैं इसी के सेकंड पॉइंट में अब आपके सामने आऊंगा, क्योंकि कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एसरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, उसका एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, एग्जांपल हम और देख लेते हैं जिसमें ये है राहुल said to her comma inverted comma you distributed my clothes to over चिल्ड्रन, ये सेंटेंस है तो पुअर चिल्ड्रन यस्टरडे, राहुल सेड टू हर कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू डिस्ट्रीब्यूटेड माय क्लोथ्स टू पुअर चिल्ड्रन यस्टरडे, दो सेंटेंस। पहला सेंटेंस जो कॉमा तक का माना जाता है इतना हमारे एग्जाम में सॉल्व होके आएगा, इस बात को ध्यान रखना। हमें कंजक्शन लगा के इन्वर्टेड कॉमा जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं उसको हमें सॉल्व करना है, लेकिन अभी हम फिलहाल पूरा चलेंगे। राहुल सेट टू काम ने चेंज किया टॉल, हाँ कंजक्शन एसरेटिव में दैट का यूज होता है और एसरेटिव की पहचान प्रीवियस वीडियो में आपको बताई गई थी, प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं लास्ट में फुल स्टॉप होता है। चेंज करने के लिए हमारे पास प्रोनाउन टेंस प्रोनाउन और यस्टरडे जो तीसरे पार्ट का है हमारा उसमें है, तो हम देखते हैं यू, यू इज द सेकंड पर्सन, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है और जिसके बारे में हमने देखा था यू सेकंड पर्सन जो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है और ऑब्जेक्ट हमारे पास है हर, तो यू को यू जो है वो यू फर्स्ट अंगुली का है और हर की फर्स्ट अंगुली क्या होती है सी, हर की फर्स्ट अंगुली होती है सी, तो यू के प्लेस पर मैंने सी लिख दिया। आगे चले डिस्ट्रीब्यूटेड, पास्ट टू सिंपल, पास्ट सिंपल टेंस है आपकी सेकंड फॉर्म आएगी हमारे पास, आपको बता रखा है पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड तो हमारा आंसर होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड डिस्ट्रीब्यूटेड, हैड डिस्ट्रीब्यूटेड पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, फर्स्ट चार से रिलेटेड है। आगे देखते हैं माई, माई जो है आई मी माई तीसरी अंगुली का है और आई की फैमिली का है, आई जो कि फर्स्ट पर्सन है जो हमारे राहुल सब्जेक्ट से चेंज होता है, माई तीसरी अंगुली है तो राहुल यानी कि ही की तीसरी अंगुली ही हिम हिज, तो हमने माई के प्लेस पर लिख दिया हिज, लॉट्स टू ओवर चिल्ड्रन यस्टरडे का द प्रीवियस द प्रीवियस, तो हमने देखा राहुल टॉल्ड हर, इतना एग्जाम में लिखा हुआ आएगा सॉल्व किया हुआ आएगा, हमने लगाया यू को हर से चेंज किया तो सी, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म थी जिसका आंसर हो गया हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड डिस्ट्रीब्यूटेड, माई को मैंने राहुल से चेंज किया तो हिज क्लोथ्स टू पुअर चिल्ड्रन द प्रीवियस, इस प्रकार हमने हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसको हमने एसरेटिव कहा था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारा है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। अभी तक हमने ऐसे भी पढ़े, अब हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है देखिए, हम थोड़ा इधर पहले महेश सैड टू लक्ष्मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डिड यू फॉलो मी यस्टरडे। हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं उसमें तो पहले की तरह ही था, मेन जो होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा वाला। हम देख रहे हैं डिड से शुरू हो रहा है, डिड एक हेल्पिंग वर्ब है। एसरेटिव सेंटेंस तो हमारा प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स इनसे स्टार्ट होंगे, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और लास्ट में हमें मिलेगा क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब हम देखते हैं डिड यू फॉलो मी यस्टरडे। हमारे पास अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड टू का चेंज क्या होता है, कंजक्शन क्या लगता है, उसको थोड़ा गौर करते हैं। एसरेटिव में तो सैड टू का हमने टॉल किया था, लेकिन हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सैड टू का चेंज आस्क्ड करेंगे। सैड टू के प्लेस पर आस्क्ड लिखा जाएगा और कंजक्शन एसरेटिव में दैट लगाया था, लेकिन इंट्रोगेटिव में हमें कंजक्शन 100% इफ का यूज कर रहे हैं। तो हम सेंटेंस में आ जाए, फर्स्ट सेंटेंस में केवल एक चेंज, महेश आस्क्ड लक्ष्मी, सेट टू का आस्क्ड हो गया, इतना ही चेंज हुआ। कंजक्शन लगा ले इफ कंजक्शन हमने यूज किया। हमने देखा एसरेटिव सेंटेंस जो प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा था, आंसर लिखते समय भी प्रोनाउन से स्टार्ट कर रहे थे, उसमें भी वही बात है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम इसका आंसर लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे डायरेक्ट को इंडायरेक्ट में जब चेंज किया जाएगा, तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट ना करके प्रोनाउन से स्टार्ट करना होगा। रूल वही है, एसरेटिव भी प्रोनाउन से स्टार्ट होगा और इंट्रोगेटिव का आंसर भी प्रोनाउन से ही स्टार्ट होगा। पहले प्रोनाउन चेंज फिर टेंस, पहले हम यू को चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट लक्ष्मी से चेंज हुआ, लक्ष्मी मतलब फीमेल सी, तो यू के प्लेस पर हमने लिख दिया सी। अब हम टेंस का लेंगे, हम पहले डिड पर आएंगे। डिड यू फॉलो पास्ट सिंपल, डिड फॉलो पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, जिसका होता है हैड प्लस परफॉर्म, इट मींस डिड हट जाएगा, हैड फॉलो मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से चेंज होगा महेश से, आई मी सेकंड फिंगर महेश की सेकंड फिंगर ही हिम यस्टरडे का हम पहले भी दे चुके हैं द प्रीवियस डे, यस्टरडे का हमने लिख दिया द प्रीवियस डे। तो हमने देखा क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन हमने आंसर जो है वो प्रोनाउन से स्टार्ट किया। क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क था, लेकिन जब हमने आंसर लिखा हमारा इंट्रोगेटिव दोबारा अफर्मेटिव सेंटेंस में
बदल गया इसलिए लास्ट में आ गया फुल स्टॉप, हमें दूसरा मान दोबारा यूज नहीं करना है। सेकंड सेंटेंस, मेरा सेट टू राजेश, कैन यू हेल्प मी इन माय वर्क। मेरा सेट टू राजेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू हेल्प मी इन माय वर्क। तो जैसे कि हमें पता है सेट टू का आस्क करना है, तो हमारा सेंटेंस हो गया मीरा आस्क्ड राजेश, कंजक्शन हमने इफ का यूज कर लिया, वही गुण जो हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया था। स्टार्ट हो रहा है मॉडल से, लेकिन हमें स्टार्ट करना है प्रोनाउंस। लास्ट में कुछ समान थे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मॉडल या आईपीओ से स्टार्ट मॉडल से हो रहा है, लेकिन हमें प्रोनाउन से स्टार्ट करना है, यू से स्टार्ट करना है। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, राजेश से चेंज होगा, राजेश जो कि मैं है, तो यू को जब मैंने राजेश से चेंज किया तो यू के प्लेस पर मैंने ही लिख दिया, जिसको प्रोनाउन चेंज समझ में आ चुका है उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना कोई इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया फिर भी प्रोनाउन, वह दोबारा उस चार्ट को पढ़े, याद करें, उसके बाद आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। प्रोनाउन चेंज हो गया, टेंस में देखें कैन, कैन एक मॉडल है, कैन का होता है कुड, जो आपको लिखा रहा है हेल्प, जिसको हम मीरा यानी कि सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, आई मी सी हर, आई मी सी हर, मी की जगह हमने लिख दिया हर, इन माय फिर प्रोनाउन आ गया। कल भी बताया था आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में कि प्रोनाउन दो बार तीन बार चार बार कितनी बार भी आ सकता है, जितनी बार भी आवे हमें उस प्रोनाउन को चेंज करना पड़ेगा। माय फर्स्ट पर्सन है और बना है आई मी माय, थर्ड फिंगर पर है जिसको चेंज करना है मेरा से सब्जेक्ट से सी हर हर, आई मी माय सी हर हर, जिस फिंगर का क्वेश्चन पूछा जाए आंसर उसी फिंगर में देना है, हमारा हो गया हर व फुल स्टॉप। यहाँ पर भी आएगा कि समा दोबारा नहीं लगाना है, हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो हमने कंजक्शन इफ लगाया, यू को राजेश से चेंज किया तो ही, कैन का कुड हेल्प, मी को मीरा से चेंज किया तो हर इन, और माई को भी मीरा से चेंज किया तो हर व, क्योंकि सेकेंड और थर्ड दोनों फिंगर सी की हर ही होगी। अब हम आगे देखते हैं, राधिका सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर यू ड्रॉइंग ए पिक्चर टुडे, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा बंद। हमने देखा हमारे पास केवल सैड था, सैड के साथ टू नहीं है,
तरह अगर एसएलएटी में होता है तब तो हम सेड का सेड लिखते हैं, चेंज नहीं करते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड का चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहां ब्रैकेट में मान लिया जाता है टू मी, क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन ब्रैकेट में फिर भी मान लिया जाता है राधिका सेड था, हमने ब्रैकेट में अपनी तरफ से लिख दिया टू मी। क्यों? क्योंकि हम जो यू को चेंज करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो इसका आंसर जब हम लिखेंगे वो था होगा राधिका आस्क्ड मी, लिखना नहीं है, बस मानना है, लिखना है, मन में मान लेना है कि हाँ हमने ये था, हमने गिफ्ट कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट हम नहीं मानते कोई चले, हाँ आप मी की जगह पर कुछ और भी लिख सकते थे ऑब्जेक्ट, कंपल्सरी नहीं है आप नहीं लिखो, लेकिन जो आप मानोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन चेंज किया जाएगा, ये बात याद रखना। आप कुछ भी मान सकते हो, आप यहाँ ही मान सकते हो, आप यहाँ हर मान सकते हो, यू लिख सकते हो, लेकिन जो आप लिखोगे प्रोनाउन जो चेंज करना है वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। कंजक्शन इफ, अब वही बात प्रोनाउन से स्टार्ट होना है, लेकिन हमें हेल्पियर से स्टार्ट होना है, लेकिन हमें प्रोनाउन से स्टार्ट करना है, आर से स्टार्ट होना है, लेकिन हमें स्टार्ट करना है यू से, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज करना, ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम ऑब्जेक्ट मान चुके हैं, हमने ऑब्जेक्ट मी मान लिया, उस मी को मानते हुए हमें यू की जगह लिखना है आर, यू फर्स्ट एंगुली गया और मी की फर्स्ट एंगुली हो गई आर, आर का चेंज होता है आपको पता है वॉज या पर, आई के साथ हमने वॉज यूज किया। ड्रॉइंग ए पिक्चर और टुडे का चेंज हम लिखेंगे दैट, तो ये एक नई बात भी हमने देख ली कि एसएलएटी में जब सेड होगा तो उसका चेंज नहीं होगा, लेकिन इंट्रोगेटिव में होगा तो हमें अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट मानकर और फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कई बार क्या होता है जैसे हम सेंटेंस लेते हैं सुधा सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डज सी स्टार्ट ए न्यू कंपनी इन योर विलेज कॉमा रमेश। हमने देखा यहां सिर्फ था सुधा सैड, लेकिन एग्जाम में जो भी सेंटेंस है उसको पूरा पढ़ो, क्या है डज सी स्टार्ट ए न्यू कंपनी इन योर विलेज, और यहां कॉमा लगा के लिख दिया इसने रमेश, रमेश सब्जेक्ट उसने वहां लिखा है, इसका मतलब सैड के साथ वो रमेश लिखा जाएगा, लेकिन इसने हमें घुमाने के लिए क्या किया उस रमेश को वहां लिख दिया, ऐसा हो सकता है, इसलिए हम जब आंसर लिखेंगे उस समय ध्यान रखेंगे सुधा आज उसको यहां लेकर आना है रमेश को, क्योंकि वो इसका ऑब्जेक्ट सुधा आस्क्ड रमेश। अब कंजक्शन इफ दस से शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन हमें प्रोनाउन से शुरू करना है सी, सी इज ए थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन नॉट चेंज, सो सी चेंज नहीं होगा, सी का सी लिखा जाएगा। अब हमारे पास आया डज प्लस पास्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, जो चेंज होता है पास्ट टू सिंपल में डज हट जाएगा, स्टार्ट का स्टार्टेड हो जाएगा, क्योंकि यहां
सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव होता तो हम डज का डिड बना लेते और नॉट स्टार्ट लिख देते, डिड प्लस परफॉर्म कर देते। स्टार्टेड ए न्यू कंपनी, योर को चेंज करना है हमें, योर को हम रमेश के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वो रमेश जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में लिखा हुआ था लेकिन वो था इसका रियल में ऑब्जेक्ट, तो हमने चेंज करना है योर को, योर को रमेश से चेंज करेंगे, यू यू योर, तीसरी अंगुली पर योर आया है और रमेश की तीसरी अंगुली देखें, ही him, his, you, you, your, he, him, his, his, you, village, full stop। रमेश दोबारा नहीं लिखना है क्योंकि उस रमेश को तो हम यहां लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा उसको यूज हमें नहीं करना है। तो यह हमारा सेंटेंस हुआ, कंजक्शन इफ, सी थर्ड पर्सन, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो स्टार्टेड पास्ट सिंपल, ए न्यू कंपनी, इन योर को हमने रमेश से चेंज किया, हिज विलेज। अब हम आगे देखते हैं, भोपाल सैड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। भोपाल सैड टू मी फर्स्ट सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच, केवल एक चेंज सैड टू, गोपाल आस्क मी, कंजक्शन, कंजक्शन लगाना मत भूलना, हम आप जन वाली में हम क्या करते हैं कंजक्शन छोड़ देते, लिखते ही नहीं है, उसका मार्क्स कटेगा, हम ऐसा काम नहीं करना है। हम देखते हैं हेल्पियो से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में ट्यूशन मार के, हाँ हेल्पियो शुरू तो हेल्पियो से हो रहा है, हमें शुरू करना है हमारे प्रोनाउन से। यू सेकंड पर्सन है जिसको हम मी ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे, यू सेकंड अंगुली का नहीं है, फर्स्ट अंगुली का है, यही यू यदि कंप्लीटेड के बाद होता तो यह सेकंड अंगुली का माना जाता, लेकिन यह फिलहाल मैन वर्ब से पहले है इसलिए यह फर्स्ट अंगुली का है। यू को मैंने मी से चेंज किया और मी की फर्स्ट अंगुली हो गई आई, हैव प्रेजेंट परफेक्ट जो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट, हैव का चेंज होगा हैड, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। योर को भी हमें मी से ही चेंज करना पड़ेगा, यू यू योर, आई मी माय, तीसरी अंगुली का है योर, पता है जिस अंगुली का क्वेश्चन उसी का आंसर, यू यू योर, आई मी माय, माय वर्क, फुल स्टॉप। क्वेश्चन है रोशनी सैड टू हर फादर कॉमा इनवर्टेड कॉमा वर यू फ्लाइंग काइट्स विद माय सन, तो फर्स्ट सेंटेंस एक चेंज सैड टू का, रोशनी
सेंटेंस, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस हमने लिखा, केवल एक चेंज किया हमने, सेट टू का आस्क भी किया और हमने लगाया कंजक्शन इफ। इफ कंजक्शन लगाना कंपल्सरी है, जिसे हमें भूलना नहीं है। यही गलती हम आमतौर पर करते हैं, ऐसी गलती नहीं करती है। हम देख रहे हैं हमारा सेंटेंस वर्ब हेल्पिंग से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सबसे बड़ी पहचान यही है, हेल्पिंग से स्टार्ट होगा, मदद से स्टार्ट होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। हमें स्टार्ट करना है प्रोनाउंस यू सेकंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हर फादर, हर फादर इट मींस ही, तो मैंने यू को हर फादर से चेंज किया, हो गया ही। वर्ब पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट कंटिन्यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में चेंज होगा। वर्ब का बनेगा हैड बी, फ्लाइंग काइट्स विद माय, प्रोनाउन है जिसको हम रोशनी से चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है माय, जो सब्जेक्ट रोशनी से चेंज होगा, माय जो कि थर्ड अंगुली पर आया है, आई मी माय, और रोशनी की थर्ड अंगुली हो गई सी हर 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 सन, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन मार्क दोबारा यूज नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव में चेंज हो गया। तो हमने देखा एसरेटिव और इंट्रोगेटिव, देखा जाए तो दोनों सेम ही है, लेकिन चेंज इतना ही है, एसरेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा था, इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से स्टार्ट हो रहा था, जिसने प्रोनाउन के रिलेशन को, उसके चेंज को समझ लिया, उसके लिए रिपोर्टेड स्पीच एकदम इजी है। इसलिए जिसको हल्की सी प्रॉब्लम आ रही है, वो उस चार्ट को दोबारा फॉलो करे, उस चार्ट को समझे कि यू को सेकंड पर्सन में चेंज किया जा रहा है, आई मी को हम फर्स्ट पर्सन में चेंज कर रहे हैं। इन चीजों का ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।